सभी बालिकाओं की, अरे बालिका दिवस है, सभी बालिकाओं की है, सभी बालिकाओं की, सभी बेटियों की, सभी बेटियों की राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने जिनको सुना, लगातार इस प्रदेश के अंदर सभी बालिकाओं के लिए, सभी मातृशक्ति के लिए, लगातार उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, लगातार उनके पोषण के लिए काम करने वाली हमारी बाल विकास महिला सशक्तिकरण की मंत्री बहन आदरणीय रेखा आर्या जी हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, अध्यक्ष महिला आयोग और जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बहन कुसुम कंडवाल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आरणी सविता कपूर जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्यारी बेटियाँ, सभी हमारी बालिकाएं, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सम्मानित होने वाली सभी बेटियों को मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं भगवती स्वरूप अपनी सभी बेटियों का, उन सभी को मैं आज, क्योंकि आज आप ही का दिवस है, आज के दिवस पर सबको मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। और जैसा बहन रेखा ने कहा कि सभी बेटियों के उत्थान के लिए, सभी बेटियों को शिखर पर पहुँचाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिन क्षेत्रों का भी चयन करें, जिन क्षेत्रों में भी भविष्य में आप जाएं, उनके शिखरों को छूने का काम करें, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो। राष्ट्रीय बालिका दिवस जहाँ एक तरफ हमारी सरकार का भी ध्येय है कि हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए और शिक्षा भी उनको प्राप्त होनी चाहिए, ये हमारी प्रतिबद्धताओं को दोहराने और बालिकाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, जो हम निरंतर इस पर काम कर रहे हैं, उसको और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी सरकार प्रदेश की सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार हमारे संकल्प हैं। इन संकल्पों को हम उनके लक्ष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। हमारी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है और उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है और न ही हमारी इस देवभूमि के अंदर जहाँ देवों का वास है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग धर्म संस्कृति अध्यात्म के लिए एक आस्था के रूप में, एक केंद्र बिंदु के रूप में हमारा राज्य माना जाता है, उस राज्य में है। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते
प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, मैं आप सबसे आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। अभी बहन कुसुम कंडवाल जी ने भी यहाँ से कहा कि लगातार हमारे प्रशासन को, पुलिस विभाग को इस प्रकार के बैठकों के माध्यम से लगातार हमने निर्देश जारी किए हैं कि हमारी बेटियों के, हमारी मातृशक्ति के सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी हम समझौता नहीं करने वाले। इस पर भी हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर हम काम करेंगे। हमारी बेटियां हमारा शान है, हमारी शान है, हमारा मान है और हमारा अभिमान भी है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है, भगवान निवास करते हैं। महान वीरांगना तीलू रौतेली से प्रारंभ होने वाली हमारे प्रदेश भर की वीर नारियों की सूची में टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा, एतवाल, गगोत्री, गर्ब्याल, बछेंद्री पाल और ऐसे अनेकों नाम हैं। मैं वंदना कटारिया से लेके अनेकों ऐसी हमारी बेटियां हमारे बीच में से निकली है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शिखरों को छूने का काम किया है, यानी कि अपना सर्वोत्तम देने का काम किया है, जिन्होंने तमाम कुप्रथाओं को तोड़ने का और आत्मसम्मान से जीने की राह भी समाज को दिखाई है, हमारी बेटियों को दिखाई है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, सेना के अभियान हो, उन सब में हमारी बेटियाँ बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। आज किसी भी मामले में हमारी बेटियाँ कहीं भी पीछे नहीं हैं, कहीं भी कम नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र तथा राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान कर रही है। अभी पिछले दिनों सरकारी नौकरियों को लेकर जो एक संदेह पैदा हो गया था, माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने कुछ उस पर अपना निर्णय दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उस पर हमको यथास्थिति स्टे का ऑर्डर मिला। उसके बाद हमने तय किया कि हम इसको विधेयक के रूप में भी लाएंगे और विधानसभा में हमने अपनी मातृशक्ति के लिए 30% का जो आरक्षण है वो सुनिश्चित किया और सरकारी नौकरियों में अब हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं को तमाम जो सुविधाएं हैं देने के लिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हाल के क्षेत्रों में पहाड़ में बेटियों का जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष था, लेकिन अब धीरे धीरे दृश्य बदल रहा है। हमारे सुदूर सीमांत के गांव की बेटियां भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और उनको अवसरों का कोई अभाव न रहे, उनको अवसर लगातार मिलते रहे। कुछ माह पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को 323 करोड़ रुपए की धनराशि नंदा गोरा योजना के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी बेटियों के भविष्य की नींव रखने में काम आएंगी। हम अपनी बेटियों के लिए हमारी कर्मठ मंत्री बहन रेखा आर्या जी के कुशल नेतृत्व में अन्य योजनाओं को भी गति प्रदान करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के इस अवसर पर आपका ये भाई, आपका ये मामा, आपका ये आप गार्जियन भी समझ सकते हैं, एक एक बेटी तक सभी योजनाओं का लाभ जब तक हम लोग नहीं पहुंचाएंगे तब तक
चैन से नहीं बैठने वाले हैं, आराम से नहीं बैठने वाले हैं। विद्यालयों में बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी और लिंगानुपात में सुधार से स्पष्ट है कि बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को साकार करने में हम सफल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के महान नेतृत्व में पूरे देश के अंदर पहली बार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र को लेकर हमारी सरकार ने बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास तक के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की है। अभी बहन रेखा आर्या जी ने बहुत सारे विषयों पर यहाँ से आप सब से चर्चा की, आप सबके सामने रखी कि इसमें महालक्ष्मी योजना है, खुशियों की सवारी योजना है, नंदा कौरा योजना है, कौरा ऐप है जिसको अभी लॉन्च किया है, जिसके रजिस्ट्रेशन में उस ऐप के अपने मोबाइल पर आपके डाउनलोड करते ही आप जो भी आपके संबंधित थाना होगा उस थाने के एरिया, उस थाने के ऑलरेडी सर्विलांस में आप स्वयं आ जाने वाले हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना है, अनेकों योजनाएं आज हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संचालित की है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को देखते हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने का भी हमने जो संकल्प लिया था उस कार्य को भी लगभग वो पूर्णता की ओर है। मेरी प्यारी बेटियां, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें। इस काम को करने के लिए हमारी सरकार, मैं, बहन रेखा आर्या जी और पूरी सरकार उत्तराखंड की आपके साथ है। हमेशा हम आपके साथ हैं, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके संवर्धन के लिए, आपके विकास के लिए जो भी हमसे जिस प्रकार की भी अपेक्षा की जाएगी उन अपेक्षाओं में हम हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। हमारा स्वप्न है कि उत्तराखंड की हर बेटी सशक्त हो, सबल हो और प्रदेश और देश के विकास में हमारी बेटियों का समग्र योगदान हो, समग्र भागीदारी हो। और 2025 जो हमने संकल्प लिया है कि राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उस संकल्प में हमारी बेटियों के बिना योगदान के, बिना सहयोग के मैं समझता हूँ कि ये हमारा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मातृशक्ति का और हमारी बेटियों का इसमें योगदान अवश्य होना चाहिए। आज मैं इस मंच से राज्य की प्रत्येक बेटी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अभिभावक की तरह हमेशा आपके साथ हूँ, सदैव आपके साथ रहूँगा। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिन बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको भी बहुत मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।